श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 और जैसा कि अभी हम श्लोक 16 से शुरुआत हुई है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको लेके बड़े बड़े ज्ञानी भी संशय में रहते हैं, वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता है। तो कल हमने कुछ बात की कर्म और अकर्म के बारे में, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के श्लोक में कहते हैं, देखो कह रहे कर्म और अकर्म तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो किसको जानना है, विकर्म को जानो अकर्म को जानो, सबसे बड़ी बात है। तो कर्म को जानना है तो विकर्म और अकर्म को जानना पड़ेगा, ठीक है। विकर्म और अकर्म पहले इनको अगर जान लिया तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन कर्म कौन कौन से होते हैं, पिछले श्लोक में हमने बात किया था, मतलब जो सहज ही हो जाए उसे कहते हैं अकर्म, है ना, जो जिसमें करता नहीं रहता है, अपने आप होता है। और अकर्म होता है जैसे कि जड़ जो हो जाता है, जड़ का मतलब समझ रहे हो, जो नींद में है, स्वप्न में है, या अपने आप ही कर्म हो रहा है, जहाँ पे कर्ता मौजूद नहीं होता। ये कहने का मतलब जहाँ चेतना ही नहीं होती उसे जड़ कहते हैं, उसी को अकर्म कहते हैं। चेतना मतलब अहंकार जो होता है वहाँ ना रहे, सब काम अपने ही आप सहज हो जाए, ठीक है। तो जो जड़ होता है ना वहाँ पे अकर्म होता है, फिर अपने आप कर्म होता है, वहाँ कोई करने वाला नहीं होता है। और ये स्थिति दो तल पे आती है, एक तो जड़ जो बिल्कुल जड़ है, जैसे कि चेतना ही नहीं है उसमें, ठीक है, और एक जिसमें बहुत ज़्यादा चेतना आ जाती है, मतलब चेतना की उच्चतम अवस्था में जब पहुँच जाता है तो भी अकर्म होने लगता है, ठीक है। एक होता है तामसी कर्म, जहाँ आदमी बेहोशी में रहता है, मतलब चेतना तो रहती है लेकिन चेतना कमज़ोर होती है, ठीक है, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, बेहोश या समझ लो कि ऐसे ही खुद में ताकत नहीं होती है, एक ढर्रा होता है जहाँ पे सब एक जैसे ही चलते रहते हैं, है ना, तो उसे विकर्म भी कहते हैं। और विकर्म में क्या होता है कि जब आदमी बेहोशी में होता है, नशे में होता है, उस स्थिति में वो ज़्यादातर ऐसे कर्म करता है जो समाज को भी हानि पहुँचाते हैं, खुद को भी नुकसान पहुँचता है और समाज को भी हानि पहुँचती है, तो समाज इसके लिए कुछ प्रबंध करता है। तो ऐसे लोगों को जिनके तामसिक कर्म होते हैं उनको समाज द्वारा कंट्रोल किया जाता है, समझ रहे हो, मतलब कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अगर वो कर्म करते हैं उनको पकड़ा भी जाता है तो उनको सजा कौन देता है, समाज ही दंड देता है, ठीक है। अब आता है सकाम कर्म, है ना, हमने समझ लिया कर्म विकर्म, और अब आएगा सकाम कर्म। तो जो राजसी कर्म होता है और जो सात्विक कर्म होता है, दोनों को ही हम सकाम कर्म में रखते हैं। ये नहीं कह सकते, मतलब जो सात्विक है वो सकाम कर्म नहीं कर रहा है, वो निष्काम कर रहा है, लगता तो सबको यही है कि जो सात्विक है वो निष्काम कर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों का तल सेम ही होता है। एक जो राजसी कर्म करता है वो इंद्रियों का भोग करता है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर्म करता है, मतलब जो सात्विक कर्म करता है वो अपने मन को तृप्त करता है, पर कहीं ना कहीं उसकी भी कामना होती है, वो ज्ञान का संचय करता है, मन को भरता है, ठीक है। और ऐसे ज्ञानी बहुत मिल जाते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि निष्कामी हैं, लेकिन उनकी कामना यही है कि वो अपने मन को ज्ञान से भर रहे हैं। एक है जो अपने इंद्रियों को भोग से भर रहा है, इंद्रियों के भोग के लिए कर्म कर रहा है, भाग रहा है, और एक है जो अपने मन को भरने में लगा हुआ है, बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए, मतलब अगर हमें कर्म को समझना है तो हमें इन सबको समझना पड़ेगा कि तल क्या है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझना होगा कि कर्ता कौन है, ठीक है। तो इनमें से ऐसे हो गया, अब जो अकर्म होता है ना, जो ऊंचे स्तर का कर्म होता है, एक तो हमने निचले स्तर की बात की जो जड़ होता है, एक चेतना की उच्चतम अवस्था जो होती है वो होता है गुणातीत, है ना, मतलब तीनों गुणों से अतीत, तामसिक राजसिक और सात्विक, इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, मतलब उसे फिर इन गुणों को चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन गुणों में कहीं ना कहीं अहंकार होता है, समझ रहे हो, मतलब ये होते तो अकर्म ही हैं
लेकिन इनमें अहंकार रहता है मौजूद कि मैंने किया है, समझ रहे हो। लेकिन फिर एक ऐसी अवस्था होती है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, जब अहंकार को जाना जाता है कि अहंकार है ही नहीं, समझ लो, झूठा ही वो बना बैठा है, कर्म तो स्वतः ही हो रहा है लेकिन वो बैठा हुआ है कि मैं कर रहा हूँ। तो जब ये जान जाते हैं ना कि वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ बैठा हुआ है, तो फिर सहज कर्म होने लगता है। सहज कर्म मतलब कि जिसमें बुद्धि नहीं लगाई जाती, जिसमें विवेक नहीं लगाया जाता। बुद्धि और विवेक कब लगाया जाता है? जब कोई मानने वाला हो, है ना, कि मैं हूँ, और जब कोई है ही नहीं तो बुद्धि विवेक कौन लगाएगा, है ना। तो फिर वो क्या होता है, सहज ही होने लगता है कि बस जो आत्मज्ञान से निकला अभी तुरंत, ना उसको सोचना ना विचारना, अपने आप वो कर्म होगा, है ना। मतलब जहाँ पे ना बुद्धि की ज़रूरत ना विवेक की ज़रूरत, जो भी आत्मा से निकला कि बस इसे कर डालना है, और कर डाला, सोचना नहीं। देखो सोचता कौन है, अहंकार सोचता है कि ये करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि उसे डर होता है, है ना। लेकिन जो सत्य को जान जाता है कि इस प्रकृति में गुणों के कारण ही सारी चीज़ें हो रही है, तो फिर उसमें वो जो कर्ता बन के बैठा हुआ है अहंकार, वो मिट जाता है, वो आत्मस्थ हो जाता है, वो ये अपनी चीज, अपने इस भाव को समझ जाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, है ना, मैं ना रहूँ तो भी कर्म तो हो ही रहा है, समझ रहे हो जी। तो अगर सही कर्म करना है और जानना है, देखो ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कर्म क्या करूँ। वैसे तो बहुत कम समय ऐसा होता है कि दिन में अगर व्यक्ति परेशान है तो वो एक आध बार ही पूछेगा कि कर्म क्या करूं। वो अपने जो अहंकार होता है ना, तो वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे सब पता है, है ना, और वो हर तरीके का उपाय लगाता रहता है। कोई परेशानी भी आ गई तो सोचता है मुझे परेशानी का हल पता है, और वो उस तरह से अपना दिमाग लगा के करता रहता है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब वो फंस जाता है और पूछता है मैं क्या करूं, ठीक है। तो करना क्या है, अहंकार को हटाना है। सही कर्म मतलब सहज कर्म, जहाँ कर्ता बिल्कुल मिट गया है, जहाँ ये कहने वाला ही नहीं कोई कि मैं कर रहा हूँ, वही काम सहज हो सकता है, ठीक है। जब तक ये मैं है, जब तक ये अहंकार है, तब तक कर्म निष्काम कर्म नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें कामना रहेगी ही रहेगी, और जिन कर्मों में कामना रहेगी उनमें दुख भी रहेगा, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि कामना नहीं रहती, फिर कामना अहंकार की नहीं रहती, अपने लिए नहीं रहती जी। फिर अपने आप, मतलब जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, कहते हैं ना कि आत्मज्ञानी जो भी करे तो सब सही ही करेगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ जो मैं करता था, जो सब कुछ हो रहा है फिर भी मैं बना बैठा है, दुख भी उसी को हो रहा था। मतलब कर्म में दुख नहीं है, दुख कर्ता को होता है, है ना, जो बना। और कर्ता कौन है? अहंकार। तो दुख किसको होता है? अहंकार को। अहंकार। और जब अहंकार ही मिट गया तो अब दुख भोगने वाला कौन बचा? तो ये समझना है कि हमें कर्म तब तक समझना है जब तक वो उसका स्तर या चेतना का स्तर निम्न होता है। जैसे जैसे चेतना का स्तर उठता जाता है, वैसे वैसे हमें कर्म को नहीं देखना है, हमें कर्ता को देखना है। कर्ता कौन है? कर्ता अगर इन तीनों में से कोई एक है तो वो कामना के पीछे भाग रहा है, कोई ना कोई उसकी कामना है। लेकिन अगर वो सहज कर्म कर रहा है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वही सही कर्म होता है। बस इतना ही हमें समझना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हमें जीवन में कैसा कर्म करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम इसे समझेंगे तभी तो हम अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो इसे अप्लाई करना है, इसे समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो इसी तरह से आगे के श्लोकों में हम बात करते रहेंगे। अभी ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसके आगे भी इसी पे बात करेंगे हम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे श्लोक को हम समझते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इसे समझ जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि देखो बीच में से कोई भी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए 18 अध्याय हैं और हमें कंप्लीट करने हैं। जब अर्जुन को ही नहीं समझ में आया, आसान नहीं है समझ पाना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, है ना, समझने की।
तो फिर इस श्लोक को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।